दोस्तों आईपीएस की तरफ से जो रीजनल रूरल बैंक की अलग अलग पोस्टों पर फॉर्म आए हैं, अगर आप में से भी किसी ने इसकी किसी भी पोस्ट के लिए फॉर्म को अप्लाई कर दिया और फॉर्म को सबमिट करने के बाद या फिर बीच में उसको पता चल गया कि भैया उसके फॉर्म में कोई मिस्टेक हो गई है, तब वो अपने फॉर्म में किस तरीके से करेक्शन कर सकता है, क्या आगे चले कोई करेक्शन की डेट वगैरह आने वाली जिसमें वो अपने फॉर्म में करेक्शन कर सकता है, और इसमें फीस वगैरह क्या रहने वाली है करेक्शन की, तो पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक पूरा देखेगा। और दोस्तों चैनल पर अगर पहली बार आए तो फटाफट से लिए चैनल को सब्सक्राइब, ताकि फ्यूचर में भी आपको ऐसी जॉब्स और वैकेंसी से रिलेटेड जानकारी अपडेट्स वगैरह मिलती रहे। अब जैसे कि यहाँ पर आपको नजर आ रहा है दोस्तों, मैंने आईपीएस का ऑफिशियल नोटिफिकेशन ओपन कर लिया है रीजनल रूरल बैंक का, जिसमें ऑफिसर स्केल 1-3 की रिलेटेड जानकारी दे रखी है और ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज की भी जानकारी दे रखी है इसी नोटिफिकेशन में। यहाँ पर स्टार्टिंग डेट वगैरह दे रखी है, एंड डेट दे रखी है, और साथ में यहाँ पर फीस की कटने की आखिरी तारीख भी दे रखी है, मेंशन कर रखी है। लेकिन यहाँ पर आप जब ध्यान देंगे तो इसमें कोई भी करेक्शन से रिलेटेड डेट की जानकारी नहीं दे रखी है, ना ही इसमें मेंशन कर रखा है, यानी कि आगे चल के कोई भी करेक्शन की डेट वगैरह तो आने नहीं वाली है। लेकिन टेंशन मत लीजिए दोस्तों, मैं तरीका आपको बताने वाला हूँ किस तरीके से आप करेक्शन करेंगे अपने फॉर्म में और क्या क्या आप करेक्शन कर पाएंगे। इसके बाद दोस्तों जब आप इसी नोटिफिकेशन के पेज नंबर 36 पर पहुंचेंगे तो यहाँ पर एक नोट दे रखा है बॉक्स के अंदर, इसमें लिखा हुआ प्लीज नोट दैट ऑल द पर्टिकुलर मेंशन इन द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म इंक्लूडिंग नेम ऑफ द कैंडिडेट, कैटेगरी, डेट ऑफ बर्थ, पोस्ट अप्लाइड फॉर, एड्रेस, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन, लोकल लैंग्वेज प्रेफरेंस ऑफ आरआरवीस एक्सेट्रा, मतलब इन सभी चीजों पर आपको ध्यान देना है। विल बी कंसिडर्ड एज फाइनल एंड नो चेंज मोडिफिकेशन, यानी कि ये सब फाइनल मानी जाएंगी, उसमें कोई भी चेंजेस वगैरह आप नहीं कर पाएंगे। लेकिन मैं तरीका बताऊंगा, टेंशन मत लो। विल बी अलाउड आफ्टर द सबमिशन ऑफ द एप्लीकेशन, मतलब कोई एक बार फॉर्म सबमिट हो जाए उसके बाद आप इसमें करेक्शन वगैरह नहीं कर पाएंगे। कैंडिडेट आर हैंस रिक्वेस्टेड टू फिल द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म विद द ऑलमोस्ट केयर, तो कैंडिडेट से गुजारिश करी जाती है भैया ध्यान से अपने फॉर्म को फिल करें, कोई भी गलती वगैरह ना होने पाए, और जब फॉर्म का प्रीव्यू आता है उस टाइम अपने फॉर्म को चेक कर लें। जैसे जब आप इसके फॉर्म को फिल करेंगे, अब तो मैं तो लास्ट वाले पेज पर आ गया पेमेंट वाले ऑप्शन पे, लेकिन अगर आप यहाँ पर पेमेंट वाले ऑप्शन पर नहीं आए होंगे, यानी कि अपलोड वाले ऑप्शन पे भी नहीं आएंगे, उससे पहले आपको प्रीव्यू दिखाया जाता है, फोर्थ स्टेप पर सभी डिटेल आपने जो सही भरी हैं उसको आपको चेक कर लेना। अगर चेक नहीं कर पाए तो आप यहाँ पर इस वाले ऑप्शन पर क्लिक कर सकते हैं, ये सभी ऑप्शन उस टाइम काम करेंगे। लेकिन अगर आपने प्रीव्यू करने के बाद एक बार सबमिट कर दिया है उसके बाद ये ऑप्शन काम नहीं करते हैं, तो आप प्रीव्यू करने के बाद सीधा आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करने का ऑप्शन दिखता है और पेमेंट करना पड़ता है। अब अगर आपने दोस्तों पेमेंट नहीं करी उससे पहले आपको याद आ गया कि भैया आपके फॉर्म में कोई मिस्टेक है, आप यहाँ से अपने फॉर्म का प्रीव्यू निकाल सकते हैं इस वाले ऑप्शन से और अपने पूरे फॉर्म की डिटेल वगैरह चेक कर सकते हैं कि आपके फॉर्म में वो चीज मिस्टेक तो नहीं है। अगर मिस्टेक नहीं है तो आप सिंपली पेमेंट कटवा दीजिए। अगर मिस्टेक लग रही है और आपने अभी तक फीस नहीं कटवाई है तो रुक जाइए, टेंशन मत लीजिए, मैं आपको तरीका बता रहा हूँ किस तरीके से आपको करेक्शन करना है, और फीस भी कटवा दिए तो भी मैं आपको तरीका बता दूंगा किस तरीके से करेक्शन करना है। तो इसके लिए वापस से हम इसके नोटिफिकेशन पे आ जाएंगे और आप इसके पेज नंबर 38 पर आ जाएं। यहाँ पर पॉइंट नंबर 13 में लिखा हुआ है साफ साफ, नोट मोर देन वन एप्लीकेशन फॉर एनी कैडेट ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज एंड ऑफिसर्स शुड बी सबमिटेड बाय अ कैंडिडेट इन केस ऑफ मल्टीपल एप्लीकेशन फॉर एनी कैडेट ऑफिस, मतलब कोई भी पोस्ट के लिए एंड ऑफिसर, ओनली द लेटेस्ट वैलिड कम्प्लीटेड इंटरमीडिएट चार्ज विल बी रजिस्टर्ड। तो इसको सुदिंदी में अगर मैं बात करूँ तो जैसे मान लीजिए आपने अपने फॉर्म को फिल कर दिया और फीस वगैरह नहीं कटवाई है, इसके बाद आप क्या करेंगे दोस्तों, आप सिंपली एक नया रजिस्ट्रेशन करेंगे नए मोबाइल नंबर और नई ईमेल आईडी से, क्योंकि आपको पता ही है कि जब आप इसका रजिस्ट्रेशन करते हैं तो उसमें कुछ और नहीं मांगता है, आपका नाम मांगेगा, मोबाइल नंबर मांगेगा और ईमेल आईडी मांगेगी, आपका सिंपली एक पूरा नया रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। अगर पुराने मोबाइल नंबर और पुरानी ईमेल आईडी से नहीं हो तो आप नया मोबाइल नंबर नई ईमेल आईडी से नया रजिस्ट्रेशन कर लीजिए, अगर आपने फीस नहीं कटवाई है तो आपको एक नया रजिस्ट्रेशन करना है और उसको पूरे फॉर्म को फिल कर देना और सबमिट कर देना, इस बार इसकी फीस कटवा लेनी है अगर इसमें कोई गलती वगैरह नहीं हुई है तो। अब जिन कैंडिडेट की गलती हो गई है तो वो लोग क्या करेंगे, वो भी यही करेंगे, अगर मान लीजिए आपके फॉर्म में पुराने फॉर्म में गलती हो गई है और आपको पता चले जाएगा कि आपके फॉर्म में गलती हो गई है, उसको आपको करेक्शन करना है, तो करेक्शन की डेट यहाँ पर नहीं आने वाली है दोस्तों, क्योंकि आईपीएस अभी तक कोई भी करेक्शन का ऑप्शन या फिर करेक्शन की फैसिलिटी लेकर नहीं आया अपने फॉर्म में। लेकिन हाँ, आईपीएस में यह दिया जाता है कि अगर आपके फॉर्म में गलती होगी तो आप दोबारा से नए फॉर्म को फिल कर सकते हैं। नए फॉर्म के केस में क्या होगा, जैसे यहाँ पर इन्होंने दे रखा है कि आपको सिंपली एक नया फॉर्म फिल कर लेना, नया रजिस्ट्रेशन कर लेना, अगर पुराने मोबाइल नंबर पुरानी ईमेल आईडी से नहीं हो तो नए मोबाइल नंबर नई ईमेल आईडी से एक नया रजिस्ट्रेशन करके पूरे फॉर्म को फिल करने के बाद सबमिट कर देना और इसकी भी फीस कटवा देनी है। जैसे यहाँ पर इन्होंने दे रखा है किसी भी कैंडिडेट को एक से ज्यादा बार फॉर्म को फिल करने के बाद सबमिट नहीं करना, किसी भी पोस्ट के लिए जो यहाँ पर पोस्टें आई हैं, अगर कैंडिडेट एक से ज्यादा बार फॉर्म को फिल करने के बाद सबमिट कर देता है, यानी कि कैंडिडेट मल्टीपल बार फॉर्म को फिल करने के बाद सबमिट कर देता है, तो उसके इसमें क्या होगा, जो उसने आखिरी में फॉर्म फिल किया है यानी जो उसने बाद में फॉर्म फिल किया है वो यहाँ पर मान के गया है, उससे पहले उसके जितने भी फॉर्म होंगे वो यहाँ पर कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो अगर आपके पहले वाले फॉर्म में गलती हो गई तो आप यहाँ पर दोबारा से फॉर्म को फिल करने के बाद सबमिट कर सकते हैं, लेकिन शर्त यही है कि भैया आपको इस वाले फॉर्म की भी फीस वगैरह कटवानी पड़ेगी। अगर पहले वाले फॉर्म की फीस नहीं कटवाई थी तो कोई दिक्कत ही नहीं है, आपको इस वाले फॉर्म की फीस कटवा देनी है, अगर पुराने वाले की फीस कटवाई थी तो आपको इस वाले की फीस कटवानी पड़ेगी। और यहाँ पर इन्होंने साफ साफ दे रखा है भैया फीस जो आपने कटवाई है वो यहाँ पर हम रिफंड नहीं करेंगे,
अगर आपने दोबारा से फीस कटवाई है तो भी वो रिफंड नहीं की जाएगी, आपकी फीस वो यहाँ पर चली जाएगी पुरानी वाली भी। तो यही एक करेक्शन का तरीका है दोस्तों इसके फॉर्म में, आपको सिंपली नए फिर से फॉर्म को फिल करने के बाद सबमिट कर देना है। अगर दोबारा से गलती हो जाती है तो आप तीसरी बार फॉर्म को फिल करने के बाद सबमिट कर सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हर बार आपको फीस कटवानी पड़ेगी अगर आपकी फीस वगैरह कट चुकी है। तो इस तरीके से दोस्तों आप करेक्शन वगैरह कर सकते थे। अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम या समस्या आ रही तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन पूछ सकते हैं। और हाँ दोस्तों, आप इस बार अगर फॉर्म को फिल कर रहे हैं तो आपको शॉप पर जाने की जरूरत नहीं है, आप खुद ही अपने मोबाइल से फॉर्म को फिल कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर मैंने दोस्तों एक मस्त वेबसाइट बनाई है, यानी कि फ्री टूल्स आपको देने वाला हूँ, जिन टूल्स का आप यूज करके आप मोबाइल की मदद से भी अपने घर से ही फॉर्म को फिल करने के बाद सबमिट कर सकते हैं, आपको कोई भी प्रॉब्लम वगैरह नहीं आएगी। तो इसके लिए दोस्तों आप इस वाली वीडियो को देख सकते हैं, यहाँ पर मैंने ऑनलाइन जितने भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह इसमें अपलोड हो रहे हैं और उनको कैसे क्या अपलोड करना है उसकी पूरी जानकारी वगैरह दे रखी है।